हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। मेरे ख्याल से सारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे। आप सब लोग, आपके पेरेंट्स सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे बेटा। और यही हम लोग आपसे चाहते हैं, पढ़ाई करते रहो। देखो, अभी अगर आप अच्छी तरह से ना हल्का हल्का जो हम पढ़ा रहे हैं बेटा, अगर उसको आप पढ़ोगे, स्टडी करोगे, तो आपको बाद के लिए बर्डन नहीं होगा। ठीक है, एक एक टॉपिक की वीडियो बना रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि पूरे चैप्टर की एक साथ बना दी, एक एक टॉपिक की वीडियो बना रहे हैं। आप लोग टॉपिक वाइज टॉपिक बेटा पढ़ते रहो। साइंस को बहुत ही आप अच्छी तरह से पढ़ो। ठीक है, ये सब्जेक्ट थोड़ा टफ लगता है बच्चों को, बट कोशिश ये है कि चीज़ों को इतनी सिंपल कर दूँ। मेरी कोशिश यही है कि इतनी सिंपल कर दूँ चीज़ों को कि आपके साइंस जो है समझ में आ जाए। स्टिल अगर कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है बेटा, तो आप कभी भी, मैंने कभी मना नहीं कि आप कभी भी कॉल करें, व्हाट्सएप करें और अपने डाउट्स पूछें। किसी भी रिगार्डिंग आपको, अगर स्टडी से रिगार्डिंग आपको हेल्प चाहिए, तो आप ज़रूर कंसर्न करें। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम लोग जो चैप्टर हमारा चल रहा था बच्चों, क्या नाम था उसका? वेरी गुड, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है बच्चों, तो ये चैप्टर हम लोग ने स्टार्ट कर दिया था। तो दिस इज़ द पार्ट नंबर थर्ड ना, थर्ड वीडियो है ये भी जो आपका मैं बना रहा हूँ। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। और आज का जो टॉपिक हमारा है, एक नया ही टर्म हम डिस्कस करेंगे, दैट इज इनर्शिया। क्या डिस्कस करेंगे बच्चों? इनर्शिया। ठीक है, तो अपनी कॉपी में हेडिंग डालो, रूम जो आप, जिस रूम में आप स्टडी, आपका रूम है, उसके डोर नॉक कर दो और आंख बंद करके 6 सेकंड के लिए आप लोग जो है मेरे साथ कनेक्ट हो जाओ। यस, ओके, कनेक्ट हो गए, पॉजिटिव वाइब्रेशंस आ रही हैं। गुड बेटा, स्टार्ट करते हैं। टॉपिक इज इनर्शिया। क्या होता है इनर्शिया, ये टर्म क्या है? अब ये चीज़ें जो है, पहले मैंने कहा ना, पहले 3 लेक्चर में हम लोग बेसिक टर्मिनोलॉजी स्टडी करी है, तो एक नया टर्म उसमें निकल के आया, इनर्शिया। बेटा, इनर्शिया का मतलब ये होता है कि किसी भी बॉडी की टेंडेंसी कि वो खुद से अपनी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज ना कर सके, दैट इज नोन एज इनर्शिया। मतलब ये है, एक बॉडी की टेंडेंसी, देखो अगर ये मार्कर जो है ना बेटा मेरे हाथ में है, सबको दिखाई दे रहा है, तो बेटा ये मार्कर रेस्ट में है ना, तो ये रेस्ट में ही रहना चाहेगा। अगर सपोज करो कोई बॉडी मोशन में है, जैसे मैंने क्या है, बॉल ली, उस बॉल को जो है कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगाए बिना, ठीक है, मैंने उसको जो है सपोज किसी इस तरह स्लोप है, मैंने किसी बॉल को यहाँ रखा। एक गैलीलियो एक्सपेरिमेंट भी है बेटा, आपके बुक में है, आप रीड करना। एक स्लोप में आप एक बॉल को रख दो और छोड़ दो, आपने कोई फोर्स नहीं लगाया ना, ठीक है, तो बॉल जो है रोलिंग करते 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 करती जाएगी, वो बॉल वो कभी स्टॉप नहीं होगी। उसका स्टेट ऑफ मोशन क्या है कि वो मूव कर रही है, तो वो कभी भी स्टॉप नहीं होगी अनलेस एंड अंटिल हम लोग को एक्सटर्नल फोर्स ना लगाते हैं उसकी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने के लिए। यही इनर्शिया है। रेस्ट में कोई बॉडी है, वो रेस्ट में ही रहना चाहेगी। कोई स्टेट ऑफ मोशन में है, कोई बॉडी चल रही है, तो वो चलती ही रहना चाहेगी। कब तक? जब तक उस पर कोई फोर्स ना लगा उसको रोकने के लिए। यही यही क्या है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी यही है, हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। और इनर्शिया भी होता है, इनर्शिया एक बॉडी की क्या होती है, इनेबिलिटी होती है कि वो खुद से अपने स्टेट ऑफ मोशन को चेंज ना कर पाए, या खुद से अपने स्टेट ऑफ मोशन को कभी चेंज नहीं कर सकता, चल नहीं सकता। कोई चल रही है बॉडी, अगर मूविंग बॉडी है, वो कभी रुक नहीं सकती। अब आप बोलोगे, सर आप क्या बात कर रहे हो, रुक तो सकती है बॉडीज। भाई अगर मैं किसी बॉल को सपोज रोल करवाता हूँ किसी भी सरफेस पर, तो वो कुछ टाइम बाद चलते चलते रुक जाएगी। बेटा मैंने क्या कहा, वहां पर उस बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगना चाहिए जो उस बॉडी के मोशन को स्टॉप कर सके। यहां पर देखो, ये स्टॉप, ये बिल्कुल रेस्ट में है, मैं कोई फोर्स नहीं लगाऊंगा तब तो मूव नहीं करेगा ये। इसका तो आपको समझ में आ गया। अब जो बॉडी जो है, जो कोई बॉल जो है वो रोल कर रही है किसी सरफेस पर, तो प्यारे बच्चों वो बॉल कभी भी नहीं रुकती अगर उसमें कोई एक फोर्स ना लग रहा होता। और वो फोर्स जो उसको बॉडी, जो उस बॉल को रोक रहा है ना, पता है कौन सा फोर्स है? फ्रिक्शन फोर्स है बेटा, फ्रिक्शन फोर्स। सर फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? फ्रिक्शन फोर्स का मतलब ये है, कोई देखो फ्रिक्शन हर जगह लगता है। जब भी कोई बॉडी, जैसे मान लो सपोज ये सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर मैं किसी दूसरी बॉडी को अगर मूव करवाऊंगा ना, तो ये बॉल जो है जब ये आगे जाएगी, वो बॉडी जो है
किसी भी दूसरे सरफेस बॉडी के ऊपर रखी हुई आगे जाएगी। तो प्यारे बच्चों इन दोनों के जो ये जहाँ जो कॉन्टेक्ट एरिया है ना, इसमें क्या है फोर्स डेवलप होता है, जो कि क्या करता है ये फोर्स जो होता है, देखो तो बॉल आगे जाएगी तो ये फोर्स जो है बेटा पीछे की साइड लगेगा, और इसको कहता हूँ फ्रिक्शन फोर्स। ये फोर्स पीछे की साइड लगेगा इस वाली बॉडी में, जो इसकी मोशन को क्या करेगा स्टॉप करेगा। अगर आप फ्रिक्शन लेस सरफेस कर दे, फ्रिक्शन मतलब एक अपोजिंग फोर्स होता है जो कि किसी भी बॉडी के मोशन को रोकता है, ठीक है। ये कब कब क्रिएट होता है, जब दो बॉडीज क्या होती हैं एक दूसरे के रिलेटिव मोशन में होती है। रिलेटिव मतलब दोनों की वेलोसिटी अलग अलग है। अब ये क्या है, कोई सरफेस है, ये तो रेस्ट में है, बॉल इसके ऊपर मूव कर रही है ना, तो क्या है ये रेस्ट में है, तो ये रेस्ट वाली बॉडी क्या करेगी, इस वाली जो स्पीडिंग बॉडी है इसके मोशन को कम कर देगी, तो वो वहां इस वजह से जो है वो बॉल रुक जा रहा है। बट अगर वहां पर फ्रिक्शन फोर्स जीरो कर दूं, तो आप अगर किसी भी बॉडी को रोल करवा देना तो वो करती जाएगी करती जाएगी करती जाएगी, कभी नहीं रुकेगी, अर्थ के लास्ट में पहुंच जाएगी वो बॉल। तो यही यही क्या होता है इनर्शिया, कि किसी बॉडी की प्रॉपर्टी की खुद से अपनी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज ना कर सके, इसको हम कहते हैं इनर्शिया। डेफिनेशन देखो, द इनेबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन और मोर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन बाय इटसेल्फ, मतलब कि खुद से वो अपनी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज ना कर सके, रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी और अगर मोशन में तो मोशन में रहेगी, किसी डायरेक्शन में है तो उसी डायरेक्शन में चलती जाएगी, जब तक मैं कोई फोर्स ना लगा दूं उसकी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए, तब तो खुद से कभी अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगी, इसी को मैं कहता हूं इनर्शिया। अब देखो बेटा एक चीज मुझे बताना एक बार, देखो ये देखो यहां पर एक मैंने क्या है दो ऑब्जेक्ट दिए, एक ऑब्जेक्ट है मेरा ये है 2 kg का, सब लोग ध्यान से कलेक्ट करेंगे भाई यहाँ पर, और एक और ऑब्जेक्ट दिया मैंने ये है आपका 10 kg का, ठीक है 10 kg का। तो मुझे बताओ, अच्छा ये किसी सरफेस पर रखे हुए हैं, ठीक है इनको मैंने क्या है बहुत बड़े बड़े दो पत्थर हैं, तो इनको मैंने क्या है रख दिया है इस तरह से सरफेस पर, तो मुझे बताओ कि कहाँ पर मुझे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा इन दोनों ऑब्जेक्ट को डी डिस्टेंस से डिस्प्लेस करने के लिए। अगर मुझे दोनों को मूव करवाना है कहाँ ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तो आप बोलोगे सर 10 kg वाले में, तो इसका मतलब यह है 10 kg वाले का इनर्शिया ज्यादा है। मतलब ये अब देखना इनर्शिया के बहुत सारे मीनिंग निकल के आते हैं, एक बॉडी एक या फिर आप बुक में ये भी लिखा हो सकता है कि बॉडी की टेंडेंसी कि वो अपने स्टेट ऑफ मोशन को चेंज होने से रोके, वो इसका इनर्शिया भी होता है। मतलब वो नहीं चाहेगी कि यार मेरे स्टेट ऑफ मोशन को चेंज आप करो, अब ज्यादा ही फोर्स लगा दोगे तो चेंज करना पड़ेगा। यहां पर आप देखो इस बॉडी का मास क्या है 10 kg है, खुद से तो भाई कभी ये चेंज इसका जो है ये कभी आगे मूव करेगी नहीं, ये भी नहीं करेगी। हमें अगर मूव करवाना है दोनों दोनों जो है ऑब्जेक्ट को, अगर सपोज मैंने 10 N का फोर्स लगाया, यहाँ भी मैंने क्या करा बेटा 10 N का फोर्स लगाया और यहाँ भी मैंने क्या करा बच्चों 10 N का फोर्स लगाया, बताओ 10 N के फोर्स में ये ज्यादा मूव करेगी फिर ये, वेरी गुड, ये वाला ऑब्जेक्ट जो है ज्यादा स्पीड से मूव करेगा क्योंकि इसका इनर्शिया कम है, ये खुद की स्टेट को चेंज होने से इतनी आसानी से जो है मतलब ये नहीं रोक पाता है, बट ये ऑब्जेक्ट जो है अपनी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज होने से रोक लेता है। ये बोलेगा मैं भारी हूं तो इसका मास ज्यादा है तो इसका इनर्शिया ज्यादा है, ये अपनी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं होने देना चाहता और इस चीज को रोकेगा, यही क्या है इनर्शिया है, बॉडी की इनेबिलिटी कि वो खुद से अपनी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज ना होने दे, यही क्या होता है इनर्शिया होता है। जितना ज्यादा मास होगा ना ऑब्जेक्ट का उतना ही ज्यादा क्या होता है इनर्शिया होता है। तो इनर्शिया जो है बेटा वो किस पर डिपेंड करता है, आप बोलोगे सर इनर्शिया जो है वो मास पर डिपेंड करता है, किस पर, मास पर जो है बच्चों वो मास पर वो क्या करता है बच्चों डिपेंड करता है, यानी इनर्शिया मैं बोलूंगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, जितना ज्यादा मास होगा ना उतना ही ज्यादा क्या होगा बेटा इनर्शिया भी होगा, ठीक है आया समझ में, वेरी गुड। तो देखो ठीक है, तो मास इनर्शिया पे डिपेंड करता है, इनर्शिया फिर से बोल दूं बॉडी की इनेबिलिटी होती है कि वो अपनी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज खुद से नहीं कर सकता, उसको इनर्शिया कहता हूं। जितना ज्यादा मास होगा, या फिर ये भी कह सकता हूं कि बॉडी की टेंडेंसी कि अपनी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज होने से रोके, दैट इज इनर्शिया। ज्यादा अगर वो अपोज करता है ना अपने मोशन को, अपने स्टेट ऑफ मोशन को चेंज होने से, तो उसका इनर्शिया भी क्या होगा ज्यादा होगा, ठीक है। दोनों ही टर्मिनोलॉजी है, किसी से भी आप रिलेट कर सकते हो। टाइप्स ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया कितने टाइप के होता है बेटा, अब आपके जो एनसीईआरटी में है और वैसे भी जो है 3 टाइप का इनर्शिया हम लोग जल्दी पढ़ते हैं फिजिक्स में, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। मैं इनका मीनिंग समझाता हूँ। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब यह है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी,
जब तक आप एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई करो उसके मोशन को चेंज करने के लिए, ठीक है। या फिर एक और चीज हो सकता है, इसी को अगर मैं दूसरे लैंग्वेज में बोलूं कि ये बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट भी रहना चाहती है। अगर आपको उसको मूव करवाना है उसको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, मतलब इस बॉडी का इनर्शिया क्या है, अगर ये ज्यादा अपोज करती है तो उसका इनर्शिया क्या है, ज्यादा है। जो स्टेट में है ना वो बॉडी उसी स्टेट में रहना चाहती है। आ रहा समझ में? वेरी गुड, ठीक है। तो ये अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहती है। तो ये देखो यहाँ क्या लिखा हुआ था, इनेबिलिटी है, इसके अंदर कोई टेंडेंसी नहीं है खुद का मोशन चेंज करवाने की। इनेबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट बाय इटसेल्फ, मतलब अपना स्टेट ऑफ रेस्ट को वो कभी भी जो है चेंज नहीं कर सकता खुद से, यही क्या होती है इनेबिलिटी बॉडी की। तो वही क्या हो जाएगा, उसका इनर्शिया ऑफ रेस्ट हो जाएगा, मतलब वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, उसकी खुद की कोई टेंडेंसी नहीं है कि अपने मोशन को चेंज करवा दे, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल देखो जरा एक बार, एग्जाम्पल समझाता हूँ, आप देखो जरा एक बार। अच्छा मैं क्या करा, देखो आप ट्रेन में बैठे होंगे, भाई ट्रेन में आप लोग बैठते हो तो ट्रेन में क्या होता है, आप लोग ट्रेन में बैठे, ट्रेन चल रही है, ठीक है। सॉरी, ट्रेन में आप लोग गए, रेस्ट में है ट्रेन, तो आप भी आराम से बैठे हो, ठीक है, समझ में आ रहा है क्या। अब जैसे ही क्या हुआ बेटा कि ट्रेन जो है एकदम से आगे मूव करती है, फिर किसी बस में आप बैठे हो, जो बस इनिशियली रेस्ट में है, तो आपकी बॉडी भी क्या है, सीट पर आप सीट में बैठे हुए, दोनों ही रेस्ट में है, सब आपका पूरा बॉडी पोर्शन रेस्ट में है, बस भी रेस्ट में है। जैसे ही बस ने मूव करना स्टार्ट किया, आप क्या होता है बेटा, इनिशियली बिल्कुल आपको पीछे की साइड जर्क लगता है। तो क्यों लगता है बच्चे, क्योंकि वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। सर कैसे, देखो मैं समझाता हूँ, आप बस रेस्ट में थी, आप भी रेस्ट में थे, ठीक है। अब बस ने क्या हुआ बेटा, बस मूव करी एकदम से, या फिर ट्रेन जो है वो एकदम से मूव करी, तो जिस आप सीट पे बैठे हुए ना, तो आपके लोअर पोर्शन जो है बेटा वो क्या है, बेटा जो आपका लोअर पोर्शन है ये क्या है, बस के उस कॉन्टेक्ट में है, तो वो लोअर पोर्शन बस के साथ मूव किया। अब मूव किया बेटा अगर बस के साथ, तो आपका अपर पार्ट जो है वो रेस्ट में है, लोअर पोर्शन तो बस के साथ मूव कर गया, और जो अपर पोर्शन है जो सीट के कॉन्टेक्ट में नहीं है वो क्या हो बच्चे, वो रेस्ट में है। तो उस टेंडेंसी को मेंटेन करने के लिए, उस स्टेट को मेंटेन करने के लिए, ये पार्ट तो आगे निकल गया और ये वाला पार्ट जो आपका रेस्ट में था, ठीक है, ये मूव नहीं किया, तो हम क्या होते हैं उसी चीज को मेंटेन करने के लिए एकदम से जो है हमें पीछे जर्क लगता है, क्योंकि एक पोर्शन आपका लोअर पोर्शन बस के साथ मूव कर गया, अपर पोर्शन रेस्ट में है, तो ये नहीं कि वो पीछे जा रहा है, नीचे वाला पोर्शन जो है आपका लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी वो बस के साथ मूव कर गया, तो अपर पोर्शन को जो है पीछे जर्क लगता है, क्योंकि वो स्टेट को मेंटेन करना चाहती है, वो रेस्ट में रहना चाहती है, बट फोर्स ज्यादा लग गया ना, तो बस फाइनली जो है अपर पोर्शन ऑफ बॉडी मूव कर जाती है, ठीक है। ये इसका एग्जांपल है, बहुत सारे एग्जांपल्स के हो सकते हैं। आप देखो मैं आपको समझाता हूँ, क्या है कि आपने एक कोई पेड़ है, आपने जो है सो कोई पेड़ है, अगर उस पेड़ के पास आप जाते हो और आप उस पेड़ को जोर से हिलाते हो, ठीक है, जोर से हिलाते हो, तो क्या होता है बेटा, आप पत्ते गिर जाते हैं ना, क्यों, क्योंकि इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। सर कैसे, तो देखो समझते हैं, देखो पेड़ रेस्ट में था, पत्ते भी रेस्ट में थे, बोलो भाई आपने क्या किया, एकदम से हिलाया उसको पेड़ को, तो जो ट्री था वो तो मोशन में आ गया, अब जो उसके लीव्स थे वो तो बेटा रेस्ट में थे, पेड़ आगे मूव कर गया, लीव रेस्ट में थे, अगर उनकी जो स्टेम्स होती हैं, जो टेंड्रिल्स होती है, मतलब ठीक है, जो स्टॉक होता है सॉरी उनका, वो अगर वीक है ना तो आसानी से टूट के नीचे गिर जाएगा, क्योंकि आपका ट्री था या आपके लीव्स में लगे हुए थे, आपने क्या किया, ट्री को हिलाया, ट्री हिल गया, लीव्स रेस्ट में थे, अगर ये इनका स्टॉक जिस पोर्शन से जुड़े हुए वीक है तो वो टूट के नीचे गिर जाते हैं। या फिर आप लोग और बताता हूँ, कंबल जो है आप लोग जो है जब उसको झाड़ते हो भैया उसमें धूल वगैरह है, तो वो भी जो है बेटा इसी का एग्जांपल है इनिशियल रेस्ट का, क्योंकि उसमें डस्ट पार्टिकल जो उस ब्लैंकेट में चिपके हुए वो रेस्ट में है, आपने एकदम से उसको झाड़ा, और आपने मोशन किसको मूव मोशन किसमें दिया, आपने दिया उस ब्लैंकेट में, उस कंबल में आपने जो है मोशन दिया बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स, तो वो मोशन में आया, पर डस्ट पार्टिकल क्या थे वो तो रेस्ट में रह गए, तो वो आगे मूव कर गया आपका जो है ब्लैंकेट, तो डस्ट पार्टिकल जो है वो फाइनली नीचे फॉल डाउन हो जाते हैं। इनिशियल ऑफ रेस्ट के एग्जांपल्स मैंने दिए आपको, एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं, उसको आप रीड कर सकते हो। अगला सेकंड जो है वो आपका है इनर्शिया ऑफ मोशन। अब ये भी वही है, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहती है, अनलेस एंड अंटिल हम कोई फोर्स ना लगाते हैं एक्सटर्नल फोर्स उसकी बॉडी को रोकने के लिए, मतलब सॉरी उसके मोशन को रोकने के लिए, दैट इज इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है।
मतलब द इनेबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन बाय इटसेल्फ इज नोन एज, उसकी इनेबिलिटी हर में डेफिनेशन में सेम ही चीज आ रही है, अपने स्टेट ऑफ मोशन को जो खुद से चेंज नहीं कर सकती तो वही क्या हो जाएगा, उसका इनर्शिया ऑफ मोशन हो जाएगा। अब यहां पर आप देखो एग्जांपल, भाई आप चलती हुई ट्रेन में है, एकदम से ब्रेक लगता है तो आप क्या हो जाते हो बेटा, आगे एकदम से मूव करते हो ना, ये किसका एग्जाम्पल है, इनर्शिया ऑफ मोशन का। क्योंकि जब आप चल रहे, ट्रेन चल रही है, बस चल रही है, तो आपका पूरी बॉडी जो है वो मोशन में है। अब इस आपकी बॉडी जो है इस चीज को मेंटेन रखना चाहती है, वो खुद से कभी रेस्ट भी नहीं आ सकती, वो इस चीज को मेंटेन करने के लिए क्या होता है, जैसे ही आपने ब्रेक लगाया एकदम से, तो ब्रेक लगाने से क्या होता है कि बॉडी तो आपकी मोशन, बस रेस्ट में आ गई, पर बॉडी आपकी क्या थी, मोशन में थी, तो उस चीज को मेंटेन करने के लिए हम क्या होते हैं एकदम से आगे जो है वो बेटा फॉल डाउन हो जाते हैं। ठीक है, मेंटेन करना चाहते हैं स्टेट ऑफ मोशन को। तो ये एग्जांपल है, फिर चलती हुई ट्रेन से, आप बहुत स्पीड से आपने देखा होगा कि ट्रेन चल रही है, गाड़ी चल रही है, अगर कोई चलती हुई गाड़ी से उतर जाता है तो एकदम से वो गिरता है, क्योंकि बस की स्पीड क्या है, बहुत ज्यादा है। अगर आप उसी स्पीड से नीचे उतरते हो ना तो कुछ भी होगा, आप आराम से उतर जाओगे। बस बस क्या होता है कि जैसे बेटा आपने देखा होगा, हम लोग जैसे ही बस से उतरते हैं, चलती हुई बस से, तो हम एकदम से आगे जो है फॉल डाउन हो जाते हैं और जल्दी जल्दी चलने लग जाते हैं, मतलब कुछ सेकंड के लिए होता है ना, हमारी स्पीड बढ़ जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी क्या होती है बेटा, बस की बॉडी मतलब वेलोसिटी के बराबर जो है वो चलना चाहती है, क्योंकि वो उसी स्टेट ऑफ मोशन को जो है रिगेन करना चाहती है जिसमें वो पहले थी, पहले बस मूव कर रही थी। तो इसी वजह से जो है आपका जो बॉडी है वो भी वही वेलोसिटी से जो है नीचे उतरना चाहती है, वही वेलोसिटी से जो है जाना चाहती है जिस वेलोसिटी से वो बस में बैठी हुई थी। उसको मेंटेन करने के लिए क्या होता है, हम लोग अगर हमारी स्पीड अगर अच्छी नहीं है तो हम लोग जल्दी से जो है वो नीचे फॉल डाउन हो जाएंगे। तो ये देख, यहाँ लिखा होगा व्हेन वी जंप फ्रॉम स्पीडिंग ट्रेन, तो हम क्या होते हैं एकदम से जो है हमें आगे हम गिर जाते हैं, अगर आपका जो है स्टेट ऑफ मोशन उस बस के स्टेट ऑफ मोशन के बराबर नहीं है, बॉडी इसी चीज को मेंटेन करने के लिए हमें एकदम से जो है हम लोग स्पीड अप हो जाते हैं जैसे बस से उतरते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या था आपका, इनर्शिया ऑफ रेस्ट हो गया। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन भी बेटा वही है कि बॉडी की इनएबिलिटी खुद से अपनी डायरेक्शन को चेंज ना कर सके, दैट इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन को बोलते हैं। और वो सर्कल पे आपने देखा होगा टर्न लेते हो तो हम लोग इधर उधर जो है होते हैं ना कार में, बोलो भाई होते कि नहीं होते, हाँ होते हैं, वो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है, क्योंकि बॉडी तो एक ही डायरेक्शन में जा रही है। अब आपने गाड़ी को मोड़ दिया ना, तो उस चीज को अपनी उसको स्टेट को मेंटेन करने के लिए हम क्या है जरा सा टिल्ट जो है उसमें हो जाते हैं गाड़ियों और बसेस और जो भी व्हीकल्स होते हैं उसमें। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज के लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया आपको इनर्शिया, बहुत अच्छी तरह समझाया, इनको बनाओ, इनके नोट्स को बनाओ, डेफिनेशंस को याद करो, समझो, मतलब याद तो क्या करना है, समझो आप जरा। ठीक है, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारा इसी के नेक्स्ट जो आर्टिकल है, अब हम लोग जो है चैप्टर में इंट्रोड्यूस करवाएंगे न्यूटन बाबा को, तो न्यूटन बाबा आने वाले हैं, और शायद हो सकता है अगली लेक्चर हम लोग गोगी से भी मिलेंगे। गोगी गोगी क्या है, देखो अगले लेक्चर में कि गोगी कौन है और उसके साथ क्या हुआ। ठीक है, चलो बाय।